तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ गायब है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, चार है, पांच है, छह है, सात है, फिर क्या है दोस्तों, तीन है, नौ है, ग्यारह है। अब आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। चार के बाद पांच, ठीक है, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, ठीक है, सात के बाद आप सोच रहे हो आठ रहता तो समझ में आता, ठीक है, लेकिन आठ नहीं है, ये तीन है, ये नौ है, ग्यारह है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा बताइए, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक आसान जो तरीका है, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको दो पार्ट में करेंगे। देखिए आमने सामने भी देख रहे हैं ना, तो कोई यहाँ पे कोई क्लू मिलने वाला नहीं है कि आंसर दिया जा सके, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिएगा इस टाइप से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करिए, यहाँ से ले लीजिए और ये नीचे वाला एक पार्ट है आपका, ठीक है, ये वो नीचे वाला पार्ट, इसको जोड़िए दोस्तों, क्या है, 11 9 20 हो जाएगा, 20 3 23, 23 में दोस्तों सात जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पे दोस्तों नीचे वाला पार्ट कितना आया दोस्तों, 30 आया, ठीक। अब एक ऊपर वाला पार्ट है, 6 5 11, 11 4 15, और क्या करते दोस्तों इसमें हम अगर 15 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट भी 30 हो जाएगा, दोनों पार्ट को बराबर बराबर में क्या करना है, विभाजित कर देना, यानी अलग अलग कर देना, बराबर बराबर कर देना है, तो 30 हमें करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 15 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। जब दोस्तों क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऐसे भी आप जरूर ट्राई करिएगा, ऐसे भी आंसर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों ना एसएससी एग्जाम में और रेलवे में भी बहुत बार ये रिपीट कर चुका है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिएगा, याद तो जरूर कर लीजिएगा, इस टाइप से प्रश्न आए तो ऐसे आप आंसर दीजिए, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, क्या होगा, 15, क्योंकि हमें ऊपर वाले को भी 30 करना है, नीचे वाला ऑलरेडी 30 है, तो यहां पे हम 15 रखेंगे तभी 30 होगा, 15 ऑप्शन नंबर डी में, आप ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।